आशुतोष तुम अवढर दानी, आरती हर हो दीन जनु जानी। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर सटीक भविष्यवाणी। आपके साथ मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। इस सप्ताह कैसा रहने वाला है आपका भविष्य, क्या रहेगी आपके ग्रहों की चाल और क्या करें उसके लिए उपाय, अपनी राशि फल के अनुसार जानिए। मेष राशि, 18 को आपका दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। धन कमाने के अवसर मिलेंगे, चाहे वो थोड़े हों या अधिक समय तक हों, आपके भाग्य का द्वार खुल सकता है। 19-20-21 को सर्व लाभकारी समय रहेगा। आप आत्मविश्वास से पूर्ण रहेंगे। आपको सामाजिक कार्यों में भाग लेना पड़ सकता है और आप अपने मनोबल के जरिए किसी भी चुनौती से निपटने को तैयार रहेंगे। 22-23 को आपको अपना रवैया नरम रखना पड़ेगा। खर्चे में कटौती रखें, अन्यथा आर्थिक समस्याएं आएंगी। खान पान में लापरवाही ना करें। 24-25 को सन्मुख चंद्रमा सफलता दिलाएगा। शनि की दशम भावस्थ स्वयं की राशि में स्थिति आपके कैरियर को नई राह प्रदान करेगी। आपके लिए उपाय है, आप शनि के मंदिर में दीपक जलाएं। वृषभ राशि, 18 को ज्यादा से ज्यादा समय घर पर ही व्यतीत होगा। 19-20-21 को आप अपनी प्रतिभा का भरपूर लाभ उठाएंगे। आपकी व्यस्तता बढ़ेगी, आपके करीबी आपको मुसीबत में मदद भी करेंगे। आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर चलेंगे। यह समय बड़ा ही आत्ममंथन तथा आत्मविश्लेषण का है। 22-23 को समय बड़ा ही बढ़िया रहेगा। नौकरी व व्यापार में आपके नजरिए से बिगड़ी स्थिति भी संभल सकती है। आप मनमाफिक चीजें हासिल भी कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन भी मधुर रहेगा। अचल संपत्ति भी खरीद सकते हैं। चौथ का समय उपयुक्त नहीं है। किसी अपने से विश्वासघात की संभावना है, इसलिए आप एक उपाय शिव जी पर दूध में जल मिलाकर चढ़ाएं। उपलब्ध हो तो जरूर ही चढ़ाएं। मिथुन राशि वाले, 18 को परेशानी से भरा हुआ दिन रहेगा। परिवार के साथ फिर भी मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध होंगे। आर्थिक स्थिति डावाडोल रहेगी। 19 से 21 दिसंबर के मध्य कामकाज बढ़ाने के चक्कर में आपको यात्राएं भी करनी पड़ेंगी और समझदारी व सूझबूझ से आप विपरीत परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल बना लेंगे। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी रहेगी, मान सम्मान बढ़ेगा। 22-23 को कर्मचारी और सहकर्मी आपकी उदारता से, आपकी दरियादिली से खुश रहेंगे। प्रतियोगिता में सफलता के योग हैं। अध्ययन के प्रति रुचि भी बढ़ेगी। राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा। 24-25 में व्यापार व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित रखें। उपाय, आप गाय को हरा चारा खिलाएं। कर्क राशि वाले, 18 में आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी समारोह में भाग भी ले सकते हैं और इस समय विशेष में कोई और कार्य करेगा, लेकिन भाग्यवश आपको उसका श्रेय मिलेगा। मतभेद दूर होंगे। 19 से 21 के मध्य में कोई अप्रिय घटना भी घट सकती है। अनुचित कार्यों से दूर रहें, अन्यथा मुसीबत बढ़ सकती है। मेहनत के अनुसार लाभ नहीं मिलेगा। 21-22-23 को लाभदायक सौदे होंगे। राजकीय अटके कार्यों में गति होगी। पति पत्नी में संबंध भी मधुर रहेंगे। 24-25 में किसी संत महात्मा का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा और आप उनके वचन को अंतर्मन से स्वीकार करेंगे। उपाय, आप नित्य पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं। सिंह राशि वाले, 18 को बढ़िया खान पान का आनंद लेंगे। परिवार में सुख शांति रहेगी। अपनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। कार्यों में मन लगेगा। 19 से 21 तक का समय शांतिदायक रहेगा। आप अपनी वाक्पटुता से हर किसी को अपना बना लेंगे। पुराने विवादों से मुक्ति मिलेगी। भाग्योदय होगा और लोग आपकी मदद करने को तैयार रहेंगे। 22-23 को अस्त मध्य खराब होने से कार्यों में रोड़े अटकेंगे।
कार्यालय के अधिकारी उच्च अधिकारी के कोप का भाजन भी बन सकते हैं, थोड़ी मेहनत करें। उपाय, ओम चंद्रमौलय नमः मंत्र का जाप करें। तुला राशि वाले, 18 तारीख को आपका दिन थोड़ा परेशानी से भरा रह सकता है। यात्रा में आपका वाहन भी खराब हो सकता है, धन हानि, शारीरिक कष्ट भी हो सकता है, किसी कार्य में मन नहीं लगेगा, लोग बुराइयां करेंगे तो उन्हें नजरअंदाज करना बेहतर होगा। 19, 20, 21 को ज्ञान वर्धक रहेंगे, अपने कैरियर को लेकर उत्साहित रहेंगे, मानसिक शांति मिलेगी, वकीलों से मुलाकात भी हो सकती है। 22, 23, 24 को आपके आपस के लोग आपके करीब आने की कोशिश करेंगे। आप पारंपरिक तरीकों में विश्वास रखने वाले होंगे और घर परिवार में प्रेम और सौहार्द रहेगा, साहस में बढ़ोतरी होगी। उपाय, गुरुजनों को प्रसन्न रखें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। कन्या राशि वाले, आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी, अपने व परिवार के अधिकारों की रक्षा को लेकर लड़ेंगे, कार्य कुशल अच्छे रहेंगे। 19, 20, 21 को उत्तम संपत्तिदायक दिवस रहेगा, यात्रा करेंगे, किसी नवीन कार्य में अत्यंत मेहनत करेंगे, सारी बाधाओं को पार कर लेंगे और संचित धन में भी मुनाफा होगा। 22, 23 में एकता प्रिय रहेंगे, एकांत प्रिय, अपने सारे क्रियाकलापों के बारे में गहनता से सोचेंगे, आप में आत्मसंतुष्टि का भी अनुभव होगा। यह संतोष कार्य में नहीं कार्य को प्रसन्नता पूर्वक करने के कारण रहेगा। उपाय, आप गाय को हरा चारा गुड़ के साथ खिलाएं। वृश्चिक राशि वाले, रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, आप पूर्ण रूप से समर्पित होकर कार्य पर ध्यान दें, उचित आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी। और 19 और 20 दिसंबर के मध्य में क्रोध के अतिरेक से बचें, वाद विवाद लड़ाई झगड़े से दूर रहें, किसी अप्रिय घटना के घटने की आशंका है। 22, 23 को मित्रों का सहयोग मिलेगा, शत्रु हावी रहेंगे, ना चाहते हुए भी आप विवादों में घिर सकते हैं, ज्यादा का लालच ना करें, अन्यथा थोड़ा भी हाथ से जा सकता है। उपाय, हनुमान मंदिर में देसी घी का दिया जलाएं। मकर राशि वाले, 18 को चंद्रमा सुखी जीवन की राह बनाएगा, रोजी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, अपने आत्म अवलोकन व आत्म विश्लेषण से व्यवहार व वाणी में परिवर्तन होगा। 19, 20, 21 को चली आ रही समस्याओं का समाधान होगा, इष्ट मित्रों का सहयोग रहेगा, मानसिक सुख शांति रहेगी और मेहमानों का आगमन होगा, अपनों से मिलकर आपको संतुष्टि होगी, मन हल्का होगा। 22, 23 को समय आर्थिक दृष्टि से अनुकूल होगा, जो भी कार्य करेंगे आपको उचित लाभ होगा। उपाय, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, सिंदूर चढ़ाएं। धनु राशि वाले, 18 को मानसिक शांति रहेगी, मनोरंजन के अवसर प्राप्त होंगे, थोड़ी हट्टा बढ़ेगी, खरीदारी का शुभ समय है। 21 को धन कमाएंगे भी और खर्चा भी करेंगे, तकनीकी से जुड़े जातक ज्यादा समय तरक्की करेंगे, प्रशासनिक सेवारत होटल से जुड़े व्यवसायियों को भी लाभ होगा, अधूरे कार्य पूर्ण होंगे और मौसम का आनंद लेंगे, धन लाभ भी होगा। 22, 23, 24 दिसंबर को समय आपके अनुकूल नहीं है, शत्रुओं से सावधान रहें, आपको नुकसान देने के लिए शत्रु किसी भी हद तक जा सकते हैं, परिश्रम के सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त नहीं होंगे। उपाय, शनि मंदिर में तेल चढ़ाएं। कुंभ राशि वाले, 18 को गुरु शनि चंद्रमा की युति 12वें भाव में खर्चे में बेतहाशा बढ़ोतरी करेगी, फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखें, शत्रु का विरोध हावी होगा, आर्थिक समय प्रतिकूल है। 19 से 21 दिसंबर के मध्य में रोजी रोजगार के उचित अवसर प्राप्त होंगे, संपत्ति संबंधी विवाद किसी की मध्यस्थता से दूर होंगे तथा लंबी यात्रा के योग हैं। 22 और 23 को शुभता के साथ शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है,
आत्मविश्वास व मनोबल इस समय आपके अस्त्र शस्त्र बनकर रहेंगे। उपाय, शिवजी पर दूध मिलाकर जल चढ़ाएं व बर्फी का भोग लगाएं। मीन राशि वाले, आपका समय अति शुभ रहेगा, यात्रा लाभदायक सिद्ध होगी, आपका आत्मविश्वास, दृढ़ता, खुलापन करीब करीब बहादुरी की सीमा तक रहेगा। आप पारंपरिक तरीकों में विश्वास रखेंगे, व्यवहारिक गतिविधियां तेज होंगी, मित्रों का सहयोग मिलेगा, राज्य व केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लाभ खुलेगा। 19, 20, 21 को किसी बात से आलोचना या विरोध के कारण गुस्से में आएंगे, लेकिन यह गुस्सा आपका जायज रहेगा। स्वास्थ्य की नजर से पेट का और दिल का ध्यान रखें। प्यार में धोखा मिलेगा और 22-23 को सम्मुख चंद्रमा लाभकारी है, संतान आज्ञा का पालन करेगी। उपाय, आप श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। आज की भविष्यवाणी में बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर होंगे नए भविष्य फल के साथ। नमस्कार।